हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सुज गुप्ता। गाइस आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रेडमी 9 पावर की, जिसमें 6000 एमएच बैटरी है। गाइस फिर चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस ये है रेडमी 9 पावर 6000 एमएच की बड़ी बैटरी के साथ। गाइस इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा है और गाइस इस मोबाइल को मैंने 3 हफ्ते यूज किया है, उसके बाद मैं आपको रिव्यू और अनबॉक्सिंग दोनों साथ में दिखा रहा हूँ। गाइस इसमें फुल एचडी डिस्प्ले है 6.53 इंच की, स्नैप ड्रैगन का प्रोसेस है 662 प्रोसेस है। गाइस अगर आप गेम के लिए या फिर यूट्यूब वीडियो के लिए इस मोबाइल को लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मत लीजिए, इसमें ज़्यादा हाई गेमिंग नहीं होगा। और गाइस आप अगर नॉर्मली यूज के लिए लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। तो गाइस हम इसको खोलते हैं, देख सकते हैं मैंने ये ब्लैक कलर का मोबाइल लिया है, मैंने इसके अंदर सिम सब डाल रखा हुआ है। इसके साथ हमें क्या क्या मिला था मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुक है, ये तो आप पढ़ सकते हैं। और इसके साथ हमें ये इसमें मिल गई है सिम निकालने की पिन। और गाइस ये एक कवर है जो हमें इसके साथ में मिला है, कवर काफी अच्छा है, एक साइड में रखते हैं। और गाइस हमें ये सी पिन मिली है इसके साथ में। फिर गाइस ये 22 वाट का चार्जर है और मोबाइल सपोर्ट करता है 18 वाट को, चार्जर बड़ा है। गाइस ये मोबाइल मैंने 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ लिया है। गाइस इसमें साइड में फिंगर है। गाइस इसकी बैटरी काफी अच्छी चलती है, बैटरी का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये 6000 एमएच की बैटरी है तो वो काफी अच्छी है। लेकिन गाइस आप अगर यूट्यूब वीडियो के लिए ले रहे हैं तो इसको मत लीजिए, क्योंकि इसमें काइंग मास्टर नहीं चल पाएगा सही से, आप वीडियो एडिट नहीं कर पाओगे। बाकी गाइस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस मैंने इसको यूज किया है तभी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको, इसका प्रोसेस जो है बहुत ही कम है। अब गाइस मैं इस मोबाइल से कुछ लिए हुए फोटो आपको दिखाता हूँ। गाइस इसका सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल है, कुछ इतना खास नहीं है। और गाइस इसका बैक वाला जो 48 कैमरा है वो लगभग सही सही है, इतना खास नहीं है वीडियो के लिए। बाकी आप अगर नॉर्मल यूज के लिए लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, बैटरी इसकी काफी अच्छी रुकती है, इसकी बैटरी लगभग 1.5 से 2 दिन तक चल जाएगी। और गाइस इसमें 2 स्पीकर दे रखे हैं, यहाँ पे भी पीछे भी एक स्पीकर है, फिर इसका ऊपर भी एक स्पीकर है। गाइस अगर आप इस मोबाइल के बारे में मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए। गाइस वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। और गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।